लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय महादेव। मंदोदरी, मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरे पुत्र पुत्रियों को बुला लो। हे महादेव, कैसा छल किया तुमने मेरे साथ। तुम्हारे दर्शन की मेरी कामना तो अधूरी ही रह गई। आप निराश ना होइए माताश्री, आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। अब मुझे आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है बहू। मैंने जीवन में बार बार निराशा ही देखी है। अब मृत्यु के समय भी निराशा ही मेरे सामने खड़ी है। सर्वशक्तिशाली विश्व विजयी लंकापति रावण की माता को निराशा शोभा नहीं देती माताश्री। पुत्र रावण, लंकापति रावण की माता की आंखों में आंसू, हम ये सहन नहीं कर सकते माते। हम आपके सुख के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। बताइए माते, हमें करना क्या है। मेरी कामना पूर्ति करना तुम्हारे लिए संभव नहीं है रावण। असंभव कहकर रावण की कीर्ति को कलंकित मत करो माते। ऐसा कौन सा असंभव कार्य है जो रावण पूरा नहीं कर सकता। क्या तुम अपनी योगिनी माता को शिव शंकर के दर्शन करा सकते हो। बस इतनी छोटी सी बात को आप असंभव कह रही माते। हमने कैलाशपति को प्रसन्न करके उनसे चंद्रहास खड़क का वरदान प्राप्त किया है। आपको उनके दर्शन कराना हमारे लिए कठिन कार्य नहीं है। यदि कठिन नहीं तो जाओ, कैलाश जाकर शिव से ऐसा शिवलिंग प्राप्त करो जिसमें शिव ज्योति समाई हुई हो। ज्योतिर्लिंग शिव के दर्शन करा दोगे रावण तो समझो कि तुमने माता का सारा ऋण चुका दिया। फिर तुम तीनों लोगों का स्वामी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। माते, हम आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए इसी क्षण कैलाश के लिए प्रस्थान करेंगे। मंदोदरी, मेघनाथ से कहना कि हमारे अनुपस्थिति में लंकापति का दायित्व संभाले। प्रणाम माते। लंकेश्वर। उल्टी दिशा में कहां जा रहे हो? नारद, तुम यहां भी प्रकट हो गए। अब मैं क्या करूं रावण, तुम्हारे दर्शन करने की इच्छा मेरे मन में बार बार जागती रहती है। क्यों मूर्ख बना रहे हो नारद? यदि तुम्हारे अंदर हमारे दर्शन की इच्छा होती तो तुम लंकापुर जाते, यहां आकाश में नहीं। आकाश हो या पाताल, स्वर्ग हो या पृथ्वी लोग, इन दिनों तो हर ओर तुम्हारा ही बोलबाला है रावण। तुम्हारा प्रतापी पुत्र मेघनाथ स्वर्ग के स्वामी इंद्र को जीतकर इंद्रजीत की पदवी पा चुका है। और बेचारे देवता अपने राजा के दुख में यहाँ वहाँ फिर रहे हैं। तो तुम इंद्र को छुड़ाने की प्रार्थना लेकर हमारे सामने प्रकट हुए हो। ना 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 नारायण नारायण। रावण, यदि मैं तुमसे इंद्रदेव की मुक्ति की प्रार्थना करूं तो भी क्या तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लोगे? हैं? कदापि नहीं। तो फिर मैं अपना और तुम्हारा समय क्यों नष्ट करूं? तुम अब भी हमारा समय नष्ट कर रहे हो और कैलाश पहुंचने के मार्ग में बाधा डाल रहे हो। हैं? कैलाश,
यानी तुम भगवान शिव के धाम कैलाश जा रहे हो। ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा तुम पर? अब तक जो भी संकट आए हम उन्हें झेल चुके हैं, परंतु आगे संकट ना आए इसी का उपाय करने के लिए हम शिव को प्रसन्न करके लंकापुरी ले जाएंगे। और जब शिव लंकापुरी में विराजमान होंगे तो कोई भी शत्रु लंका पर आक्रमण करने का विचार नहीं कर सकता। यही हमारी माता केकसी का आदेश है। नारायण नारायण, ये तुमने सत्य कहा रावण। जहाँ शिव है वहीं सुरक्षा है, वहीं विजय है। जाओ कैलाश जाकर शिव को प्रसन्न करो। मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अच्छा। नारायण नारायण। नारद मुनि हमारे लिए प्रार्थना करेंगे? असंभव। रावण अपनी मनमानी कर रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं। उसने सीता को बंधनी बनाया है। पति के प्रेम से वंचित सीता कितने दुख भरे दिन काट रही है, क्या आप नहीं जानते? देवी पार्वती, भगवान विष्णु ने जिस प्रमुख कार्य के लिए श्री राम अवतार का रूप धारण किया है उसमें यह सब तो होना ही था। आप व्यर्थ ही दुखी हो रही हैं। एक स्त्री ही स्त्री की पीड़ा समझ सकती है परमेश्वर। सीता अशोक वाटिका में कितने संकट के दिन काट रही है। संकट की आग में जलकर ही सोना कुंदन बनकर निखरता है। देवी सीता की यही तपस्या आगे चलकर उनकी मुक्ति का कारण बनेगी। नारायण नारायण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्रणाम पार्वती परमेश्वर, प्रणाम माता पार्वती। आयुष्मान भव, कैलाश पर तुम्हारा स्वागत है देवर्षि। माता पार्वती, आपकी चिंता में मेरी चिंता भी सम्मिलित है। देवी सीता के कष्टों की कथा सोच सोच कर मैं भी उद्विग्न हो जाता हूँ, परंतु क्या करूँ, विवश हूँ। इसीलिए तो मैं स्वामी से प्रार्थना कर रही थी कि वे सीता के कष्टों की ओर ध्यान दे। माता, जिस रावण ने सीता को बंदी बनाकर रखा है वही रावण यहाँ आ रहा है भगवान शिव को सदा सदा के लिए लंका ले जाने के लिए। देवर्षि क्या कह रहे हैं प्रभु? क्या यह सत्य है कि रावण आपको लंका ले जाने के लिए आ रहा है? देवी, यदि रावण यहाँ आ रहा है तो तुम क्यों घबरा रही हो? शिव 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 शिव, प्रभु आप भोलेनाथ हैं। भक्तों की भक्ति से तुरंत प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दे देते हैं। माता पार्वती की चिंता उचित ही है। प्रभु, मैं आपको दुष्ट रावण की कोई भी प्रार्थना स्वीकार करने नहीं दूंगी। आप मौन क्यों है? मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? देवी, रावण को पहले कैलाश पर आने तो दो, फिर हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। देखा देवर्षि, दुष्ट रावण को शिवशंकर कैलाश पर आने से रोकना ही नहीं चाहते। देवी, रावण यहाँ हमारी भक्ति करने के लिए आ रहा है, और एक भक्त को भक्ति करने से कैसे रोका जा सकता है? प्रभु, माता पार्वती का आप पर रावण से अधिक अधिकार है, आपको इनका अनुरोध मानना ही होगा। देवर्षि, क्या इसी कार्य के लिए तुम यहाँ आए थे? भक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, देवता हो या राक्षस, उनकी प्रार्थना सुनना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। प्रभु, मेरा हृदय सीता के लिए व्यग्र है। सीता को बंधनी बनाने वाले को मैं एक पल भी नहीं देखना चाहती। यदि वो मेरे सम्मुख आ जाए तो मैं उसे अपने क्रोध से भस्म कर दूं। भस्म? नारायण नारायण, ऐसा ना कीजिए माता। मरने से पूर्व रावण को अभी बहुत से कार्य करने हैं, उस पर दया कीजिए। नारद, इनसे कहो मेरी बात मान ले और इसी समय कैलाश से अदृश्य हो जाएं। भोलेनाथ, माता की बात मान लीजिए। यदि इनका क्रोध जाग गया
तो इससे आपके भक्त की हानि होगी। देवी पार्वती, यह कैसा विचित्र हट है आपका? हम अपने कैलाश से अदृश्य हो जाएं? हाँ प्रभु, इस समय रावण की आकांक्षा पूर्ण नहीं होनी चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। शिव शंकर, आप अदृश्य होकर भी अपने भक्त की प्रार्थना सुन सकते हैं। आप माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। प्रभु चलिए, हम इसी समय अदृश्य हो जाते हैं। देवर्षि, आपका कार्य भी पूर्ण हुआ, आप भी अदृश्य हो जाइए। अवश्य माता, आपकी आज्ञा का मैं तुरंत पालन करता हूँ। नारायण नारायण। चलो देवी, आज तुम अपना हट पूर्ण करके ही रहोगी, रावण यहाँ कैलाश पर आने ही वाला है। चलिए प्रभु। भोलेनाथ, कहाँ हैं आप? शिव शंकर, रावण की पुकार सुनिए परमेश्वर, हम आपकी आराधना करने आए हैं। शिव शंकर, ये कैलाश आपकी भूमि है, मैं जानता हूं आप यही कहीं हैं, आप यहां के कण कण में विराजमान हैं, परंतु आप मुझसे रुष्ट क्यों हैं? अपने परम भक्त रावण पर इतना रोष क्यों? शिव शंकर, मैं आपके दर्शन पाकर ही रहूंगा, मैं आपके तीर्थ स्थल पर पहुंचकर निराश होकर नहीं लौटूंगा, मैं अपनी कठोर तपस्या से आपको प्रसन्न करके ही रहूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रकट होइए शिव शंकर, रावण की पुकार का उत्तर दीजिए। भोलेनाथ, प्रकट होइए परमेश्वर, दशानन रावण आपका आह्वान करता है। जटाटवी गलज जल प्रवाह पामितस्थले गले बलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्निनाद भट डमट डमयं जकार चंड तांडवं सनोतु नक्षिव शिवं अथर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांत जीव शंकर, यदि आप अभी प्रकट नहीं हुए तो मैं अपना अंतिम शीश काट रहा हूं। या बस रावण बस, रुक जाओ। शिव शंकर प्रणाम। कहो रावण, क्या चाहते हो? महादेव, हम जानते थे कि आप हमारे तपस्या से प्रसन्न होकर हमें अवश्य दर्शन देंगे। हाँ रावण, अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करना हमारा धर्म है, हम तुम पर प्रसन्न हैं। कहो क्या चाहते हो? शिव शंकर, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ लंकापुरी चलें, ताकि कोई भी शत्रु लंका पर विजय प्राप्त ना कर सके। यह संभव नहीं है रावण, कुछ और मांग लो। आप तो जानते हैं कि आपका यह भक्त अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। हमें तुम्हारे निश्चय का ज्ञान है रावण, हम तो तुम्हारे साथ लंका नहीं जा सकते, परंतु हम तुम्हें अपना आत्मलिंग प्रदान करके तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण कर सकते हैं। आत्मलिंग? हाँ रावण। रावण, यह शिवलिंग हमारा आत्मलिंग है, इसमें हमारी ज्योति विद्यमान है। लंका में इसके रहने से कोई भी शत्रु लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये लो रावण। रावण,
यह शिवलिंग तुम्हें आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जाना होगा। यदि तुमने इसे धरती पर रखा तो हमारी ज्योति इसमें विद्यमान नहीं रहेगी। अर्थात हम इस शिवलिंग को धरती पर नहीं रख सकते? हाँ रावण, हमारा आत्मलिंग पृथ्वी के स्पर्श से प्रभावहीन हो जाएगा। इसमें से शिव ज्योति निकलकर पुनः हम में समा जाएगी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई रावण, अब तुम लंका के लिए प्रस्थान करो। भोलेनाथ, हमें इतनी सिद्धि और प्रदान कीजिए कि हम इसे उड़ाकर अपने साथ लंका पूरी ले जाएं। तथास्तु रावण। प्रणाम भोलेनाथ। तुम्हारा कल्याण हो रावण। अचानक मुझे क्या हो गया? ये लघु शंकर की बाधा मुझे क्यों सताने लगी? शिव शंकर, ये क्या हो रहा है? लगता है मुझे धरती पर उतरना ही पड़ेगा। गया महाराज। चरवाहे, ये लो शिवलिंग, और इसे तब तक पकड़े रहना जब तक हम लघु शंका से निवृत्त होकर नहीं आ जाते। जो आ गया महाराज। नारायण नारायण, प्रणाम गजानन गणेश जी। आपने ये चरवाहे बालक का रूप क्यों धारण किया है? शिव शंकर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ देवर्षि। अर्थात शिव शंकर ये नहीं चाहते कि उनका शिवलिंग लंकापुरी पहुँचे। हाँ देवर्षि, मुझे शिवलिंग को इधर ही स्थापित करना है। जय गणेश। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। चलिए गजानन गणेश जी, अब हमारा कार्य पूर्ण हुआ। बालक, ओ चरवाहे बालक,
कहां गए तुम? दुष्ट देवताओं, मैं जानता हूं ये तुम्हारा षड्यंत्र है। शिव शंकर, मेरे साथ ये अन्याय क्यों? मेरी सारी तपस्या व्यर्थ कर दी, मेरी माता की पूजा नष्ट कर दी। दुष्ट देवताओं, तुम्हारा षड्यंत्र सफल हुआ। मैं तुम्हारी करनी का दंड अवश्य दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सावधान, लंकापति रावण पधार रहे हैं। क्या बात है रावण? माता, हमने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न तो कर लिया, परंतु परंतु क्या? माते, हम शिव के दिए शिव प्रतीक को लंका ला रहे थे, परंतु इंद्र के शुभ चिंतक देवताओं के कारण हम उसे लंका में नहीं ला सके। अर्थात तुमने इंद्र की चाल सफल होने दी, मेरी शिव पूजा अधूरी रह गई। तुम जैसे शक्तिशाली पुत्र के होते हुए भी तुम्हारी माता की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। माता, हमने अपने 200 सिर काट काट कर शिव को प्रसन्न किया, उनका शिव प्रतीक भी प्राप्त किया, और आप हमें उसका यह बदला दे रही हैं? जब वो सारी तपस्या व्यर्थ हो चुकी है तो फिर उसके बारे में बताने का अर्थ ही क्या रह जाता है रावण? मैंने तुम्हारे उत्कर्ष के लिए क्या क्या सपने देखे थे, सारे मिट्टी में मिल गए। अब मेरे तुम्हारे साथ रहने से ना तुम्हारा लाभ होगा ना मेरा। मैं लौटकर जा रही हूं तुम्हारे पिता के पास। नहीं माते, नहीं, आप लंका छोड़कर मत जाइए। नहीं, अब मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकती। रावण, तुम्हारे कारण मैंने तुम्हारे पिता का अपमान किया, उन्हें खरी खोटी सुनाई, परंतु हुआ वही जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी। रावण, शीघ्र ही मुझे मेरे स्वामी के पास पहुंचाने की व्यवस्था करो।